दोस्तों, क्रूड ऑयल में हमने 6632 पे एंट्री कर ली है, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्रूड ऑयल का इंडेक्स है। एक्चुअली मैंने फ्यूचर में एंट्री कर ली है क्रूड ऑयल के सितंबर के 6632 पे, और यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस है 6700, ठीक है, वहाँ पर मैंने टारगेट लगा दिया है फ्यूचर के हिसाब से। ओके, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना 6652, तो इस वाले चार्ट में 6600 पे मेरा टारगेट लगा हुआ है। तो अभी इंडेक्स के चार्ट पे ही मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने इसमें एंट्री क्यों ली है। ओके, देखिए दोस्तों, पहली जो चीज़ है ना, सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे RSI देखिए, नीचे आने के बाद इसमें एक ऊपर के साइड पे बाइंग का टिक दिखाई दिया, और मैंने आपसे क्या बोला है कि जैसे ही ऊपर बाइंग का टिक दिखाई दे तो हमें ऊपर के साइड पे बाइंग करना है। अब एक RSI की बात छोड़ दीजिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी आप कोई भी चार्ट खोलते हो ना दोस्तों, तो आप उस चार्ट में जाना, और मैक्सिमम ट्राई करना उसका जो हायर टाइम फ्रेम का जो चार्ट होता है ना, उसे देखने की कोशिश करो, किसी भी चार्ट में जिसमें भी आपको ट्रांजेक्शन करना हो। ओके, तो उस चार्ट को खोलना है और मैक्सिमम उसमें देखने की कोशिश करना है। अब ये एक वन डे का चार्ट है क्रूड ऑयल का। ओके, तो आपको इसमें जाके देखना है कि इसमें डोमिनेंसी किसकी है। ओके, तो आपको यहाँ पे डोमिनेंसी किसकी दिखाई दे रही है, यहाँ पे आने के बाद एकदम बाइंग हुआ, फिर नीचे आया, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं हुआ, साइडवेज रहा मार्केट, और उसके बाद कंप्लीटली बाइंग कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें डोमिनेंसी दिखाई दे रही है बायर्स की, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी बायर्स डोमिनेंट है, तो हम यहाँ पे जो एंट्री लेंगे दोस्तों, जैसे ही हमें वेट करेंगे, हम सेलिंग साइड पे नहीं जाएंगे और हम एंट्री करेंगे बाइंग साइड पे। ओके, तो बिल्कुल सेम चीज़ हमने की यहाँ पे, और हमने बाइंग साइड पे एंट्री किया, और यहाँ से सुबह से नीचे गिर रहा था, उसके बाद ये काफ़ी बड़ी लंबी बाइंग का कैंडल बना, और फिर हमने सेकंड कैंडल में, फ्यूचर के सेकंड कैंडल में एंट्री किया। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना, देखो तो आप देखो कि यहाँ पर जितने भी कैंडल्स बने हुए हैं, उन सभी कैंडल्स को इन कैंडल्स ने एनगल्फ कर दिया। अब यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सा बन गया? बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ओके, ये जो बना है वो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। ओके, तो इसने इस सभी कैंडल्स को एनगल्फ कर लिया, तो इसलिए हमने इसमें एंट्री कर ली। अब यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो तुरंत अचीव होगा नहीं होगा, वो बात अलग है, शायद कभी घूमकर हमारा स्टॉप लॉस भी हंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। देखो, यहाँ पे गैप अप हुआ और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6670 तक अभी आ गए, अभी 30 रुपये रह गए हमारे टारगेट को अचीव होने के लिए। 200 मूविंग एवरेज के पास आने के बाद थोड़ा बहुत सेलिंग का प्रेशर दिखाएगा, लेकिन अगर इससे ब्रेक करता है ना, तो तुरंत हमारा टारगेट अचीव होगा। तो देखेंगे क्या होता है। ओके दोस्तों, अब हम क्रूड ऑयल में एंट्री तो कर चुके हैं। ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी में। जैसे बैंक निफ्टी में हमने अभी बोला था, देखिए अब आपको मैं सभी ड्राइंग्स यहाँ के निकालूंगा और यहाँ पे बताऊंगा आपको कि देखिए जो हमारा लो था तो यहाँ पे देखो, कल का जो लो बनाया है उसके पास आने के बाद बैंक निफ्टी में सडनली एक बाइंग का कैंडल बना, और उसके बाद सेलिंग हुआ, फिर उसी, ये जो लेवल है इस लेवल से मार्केट ऊपर गया है, अभी तक सेलर नहीं आया। तो ये आपको क्या बता रहा है, आप मुझे बताओ, ये जो कैंडल है ये आपको क्या बता रहा है? ये कैंडल जो बना है वो आपको बोल रहा है कि दोस्तों, इस लेवल के नीचे, पिछले वाले लो के नीचे अब सेलर नहीं आने वाले हैं, इसलिए अब मैं ऊपर ही जाने वाला हूँ। ओके, ठीक है, सिंपल सिंपल लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब बैंक निफ्टी में कल के दिन अगर ये लो नहीं ब्रेक होता है और यहीं से ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पे कॉल साइड पे जा सकते हो। ओके, कॉल साइड पे आराम से जा सकते हो,
थोड़ा बहुत नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा ना, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देना, आप कॉल साइड पे चले जाना। ओके, ये सिंपल मैंने आपको बताया, कल बैंक निफ्टी में अगर और भी सिंपल करके बता दूँ बहुत ही आसान भाषा में, आज हमें एक कैंडल मिला, ठीक है, ये वाला कैंडल, जो अगर कल के दिन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन निकालता हूँ, अगर बैंक निफ्टी कल के दिन इसका जो है ये जो ट्रेंड लाइन है, समझो यही ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, और ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। ओके, कॉल साइड पे जा सकते हो। ओवरऑल सिनेरियो जो है बैंक निफ्टी का आवरली में जाकर अगर देखो तो सेल वाला है। ओके, लेकिन अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, जैसे कि आवरली में जाकर अगर आप देखो तो समझो यहाँ से यहाँ तक मार्क करना और यहाँ से यहाँ तक अगर मार्क करें तो ये बेरिश फ्लैग एंड पोल बन रहा है। ओके, यहाँ से फिर एक बार एक पोल बना, समझो यहाँ से एक पोल बना है फिर एक बार, और यहाँ पे अभी एक फ्लैग बन रहा है, क्योंकि यहाँ से मार्केट कंप्लीट साइडवेज है। ओके, तो अगर इस पोल को, ठीक है, ब्रेकआउट ऊपर के साइड पे मिलता है तो हमें बाइंग साइड पे आराम से ट्रेड मिलेगा। अब मेरा व्यू बैंक निफ्टी में बाइंग साइड पे क्यों है, अब देखो यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये जो हैमर बना हुआ है ये, ठीक है, ये अवर्ली कैंडल है। ओके, इसको क्या हुआ है, ये है वेंसडे का, लेकिन मंडे को जितने भी बायर आए थे ना दोस्तों, ओके, उन सभी के स्टॉप लॉसेस इस कैंडल ने खा लिए, ठीक है, पहले समझो 40-45 मिनट में खा लिए, और एकदम से लास्ट में इसने इसके ऊपर क्लोज दे दिया, ठीक है, इस कैंडल के लो के ऊपर क्लोज दे दिया। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इसी कैंडल में बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है शायद ऑपरेटर्स की, और ऑपरेटर्स नहीं चाह रहे हैं कि इस लेवल के नीचे मार्केट जाए, और उसके बाद अगर आप देखो तो इसके नीचे मार्केट का क्लोज ही नहीं है, उसके बाद 3-4 दिन देखना आप मार्केट बैंक निफ्टी का, ठीक है, इसके नीचे, इसके लो के नीचे, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल ट्रेंड निकालूंगा बैंक निफ्टी के, इसके लो के नीचे कोई भी, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे लेंगे हम, ठीक है, तो क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, देखें हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे होता है, इसके नीचे कोई भी क्लोज नहीं दिया है किसी भी कैंडल ने। ओके, तो इसका मतलब है कि मार्केट इसके नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है, शायद वो यहाँ से ऊपर ही जा सकता है। जैसे ही आपको कोई अच्छी कैंडल मिलेगी तो आप उसमें एंटर कर लो और कॉल साइड पे भी ट्रेड ले सकते हो, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। ओके, अब निफ्टी के बारे में, निफ्टी के भी सारे ड्राइंग निकाल दिया, तो काफ़ी ड्राइंग हो गए निफ्टी के। देखो दोस्तों, निफ्टी ने यहाँ पे जो लो बनाया है, ओके, तो ये 1 आवरली कैंडल है। ओके, अब 15 मिनट में जाके देखेंगे, सभी पिक्चर्स क्लियर होंगे दोस्तों। ओके, सभी पिक्चर क्लियर होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये जो लो बनाया है ना निफ्टी का, ये वाला, इस लो के नीचे अभी तक निफ्टी नहीं गया, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि कई दिनों से इसी लो को निफ्टी सस्टेन कर रहा है। ओके, कल के दिन अगर निफ्टी हमारा ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है, ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगा, यही ट्रेंड लाइन, और इसी लेवल के ऊपर रहता है, तो हमें बाइंग साइड पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अदरवाइज अगर इसके नीचे चला जाता है, फिर इस लो का लो को रेजिस्टेंस बना ले तो नीचे जाता है, तो हमें सेलिंग साइड पे
ही जाना पड़ेगा। ओके, तो ये सब जो एनालिसिस मैंने बोला है आपको वो मंडे के लिए है। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अब थोड़ा सा चलते हैं क्रूड ऑयल में और आपको मैं बता दूं कि क्रूड ऑयल कितना लंबा गया है, देख सकते हैं आप। ओके, तो हमने जो एंट्री की है ना बिल्कुल परफेक्ट एंट्री की है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आपकी, यहाँ पर 6700 का ये जो रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेक कर दिया गया और अभी ऊपर और भी अगर इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज हो जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाएगा तो इसके ऊपर और भी कंटिन्यूसली जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं कि मेरा टारगेट अचीव होने के लिए सिर्फ 10 रुपये रह गए, सिर्फ 10 रुपये। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।